कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। काश यदि मैं एक परमार्थमा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते, व्रत नियम लेकर के सन्यास को धारण करके, हो सकता हमारे जीवन में कुछ फल मिल सकता। सोचो, समझो और अपने जीवन के उत्थान की बात करो। जीवन मिला है तो परमार्थ के क्षेत्र में लगाने के लिए मिला है। एक पिता की तीन संतान थी, पिता ने सोचा कि हम अपने उत्तराधिकारी किसको दिया जाए, तो बेटों की परीक्षा लेने के लिए पिताजी ने 50,000 रुपए दिए। कितने दिए, पुराने जमाने की घटना है। 50,000 रुपए दिए। आज के जमाने के 50,000 रुपए 50,00,000 की मायने रखते हैं। पहले वाले बेटे ने सोचा कि 50,000 रुपए में क्या होता है, महंगाई का जमाना है, चलो 50,000 रुपए सट्टे में लगा दो, 50,000 के 50,00,000 तो मिलेंगे, फिर व्यापार करेंगे। पहले वाले बेटे ने सट्टे में पैसे लगाए, पैसे चले गए। दूसरे वाले बेटे ने कुछ दिमाग लगाया तो एक परचून की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली, थोड़ा बहुत गुजर बसर चला, पैसे सलामत रहे। तीसरे बेटे ने 50,000 रुपए तो रखे अपने पास में साइड में, पर 6 महीने किसी के यहाँ नौकरी की। नौकरी करने के बाद उसने जो अनुभव किया, उसने अपने व्यवहार कुशलता से और पिताजी के गुडविल के माध्यम से उसने जो पाया, 6 महीने बाद उसने अपना नया तरीके से नया व्यापार किया। और व्यापार नहीं किया, व्यापार ऐसा किया, लाखों करोड़ों रुपए में वह व्यापार करने लगा। 6 महीने बाद पिताजी आए, समय के अनुसार 1 वर्ष का समय दिया था। पिताजी पहले बेटे के पास जाते हैं, बेटा तूने क्या किया। पहले बेटे के पास जाते हैं, पिताजी पूछते हैं कि बेटे तूने 50,000 रुपए का क्या किया। बेटा कहता है, पिताजी अनर्थ हो गया, पिताजी अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ बेटा? मैंने सोचा कि लॉटरी चल रही है, 50,000 रुपए लॉटरी में लगा दो, 50,00,000 मिलते, तो पिताजी सारे के सारे पैसे चले गए, व्यर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। दूसरे वाले बेटे से पूछा, बेटा तूने क्या किया। पिताजी देखो, ये परचून की दुकान है, थोड़ा बहुत गुजर बसर चलता है, बस काम चल रहा है। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, गुजर बसर कर रहा है, चलो। तीसरे वाले बेटे के पास पिताजी जाते हैं, तीसरे वाले बेटे से पूछते, बेटा तूने क्या किया। बस पिताजी कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, दिखाया जाकर के बहुत बड़ी गोदाम है, माल से भरी हुई है, सैकड़ों कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, माल ले रहे हैं, बेच रहे, खरीद कर रहे हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं। पिताजी पूछते, किसका है बेटे। पिताजी बस आपका ही है और आपके आशीर्वाद का है। पिताजी ने तीसरे वाले बेटे को पकड़ा और छाती से लगा लिया और कहा कि मुझे तेरे से ही उम्मीद थी, विश्वास था कि तू ऐसा कर पाएगा। बंधुओं, पहले वाले बेटे ने तो अनर्थ कर दिया, दूसरे वाले ने व्यर्थ कर दिया, कुछ बढ़ाया नहीं, और तीसरे वाले ने अपने पैसे को समर्थ बनाया और इतना समर्थ बनाया कि लोग उससे सहारा लेने लगे। तो आपके भी हो सकते 3 बेटे हों, एक अनर्थ कर रहा हो, एक व्यर्थ कर रहा हो, एक समर्थ बन रहा हो। तुम किसको पसंद करोगे, विचार करो। ये जीवन तुम्हें मिला है, इसको व्यर्थ और अनर्थ गमाने में नहीं, जीवन को सार्थक बना करके परमात्मा के क्षेत्र में लगाने के लिए मिला है। जो व्यक्ति मेहनत करके अपने जीवन की कमाई करके, मेहनत की कमाई करके परमार्थ में लगाता है, वो अपने जीवन के अर्थ को समझ करके समर्थ बना लेता है। और जो व्यक्ति अपनी कमाई को व्यर्थ और अनर्थ कर देता है, वो अर्थ को भी नहीं समझ पाता है और जीवन के यथार्थ को भी नहीं जान पाता है। बस चंद दिनों का हमारा जीवन है, कब मेरी कहानी पूरी हो जाए,
कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस कहानी के उद्देश्य को समझो, कहानी के उद्धार करना चाहते हो इस कहानी का, तो जीवन के अर्थ को समझो। किसको समझना है? अर्थ को समझना है। अर्थ को बिना समझे जीवन का अर्थ समझ में नहीं आएगा। एक व्यापारी है, व्यापार के अर्थ को समझता है। एक अधिकारी है, अधिकारी के अधिकार को समझता है। एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी भी अपने उद्देश्य और लक्ष्य को समझता है। बंधुओं, हम सबके लिए अर्थ से ज्यादा परमार्थ की चिंता होना चाहिए। आज हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों की चिंता किसको होती है? जो परमार्थ से जुड़ा होता है। हम सब सामंजस्य नहीं बैठाने के कारण हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथों से जा रहे हैं, जा चुके हैं। जो बचे हैं यदि हम सोते रहेंगे, वह भी हमारे हाथ से छिटक जाएंगे। तो अर्थ तुमने कमाया है, व्यर्थ अनर्थ मत करो। अर्थ को, परमार्थ को बचाने में लगा दो, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप चाहते हो कि आत्मा का उद्धार हो? आप चाहते हो जीवन पाया, जीवन का कल्याण हो? तो अर्थ को परमार्थ में लगाओ, अर्थ को अनर्थ और व्यर्थ से बचाओ। अपने कल्याण के लिए सोचो कि मैंने जो पाया है क्यों पाया है। व्यर्थ और अनर्थ करने के लिए कि समर्थ और परमार्थ में लगाने के लिए? एक भक्त था, एक गुरु का भक्त था, रोज गुरु की सेवा करता था। सेवा करते करते उसके मन में लोभ और लालच आ गया। जो गुरुदेव थे वो पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। क्या जानते थे? पशु पक्षी की भाषा उनको आती थी। तो भक्त ने सोचा पशु पक्षी की भाषा सीख लेना चाहिए। गुरुदेव, अब गुरुदेव का कोई पता नहीं कब ये चले जाएं। तो गुरुदेव से निवेदन किया उस भक्त ने कि गुरुदेव मुझे पशु पक्षियों की भाषा सिखा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी परंपरा भी आगे बढ़ती रहेगी, लोग लाभान्वित होते रहेंगे। तो गुरुदेव ने सोचा ठीक है, तू सीख ले। भाषा सीख ली पशु पक्षियों की। एक दिन दो मैना आपस में चर्चा कर रही थी, दो मैना आपस में चर्चा कर रही थी कि जो भक्त था वो कुम्हार था। क्या था? कुम्हार था। कुम्हार के पास गधा होता है। तो दो मैना जब चर्चा कर रही थी कि इसके गधे के 3 दिन की आयु है, 3 दिन बाद ये गधा मर जाएगा। उसने भाषा समझ ली, ये दोनों मैना कह रही कि इसका जो गधा है ना 3 दिन बाद मर जाएगा। तो कुम्हार ने सोचा कि अच्छा है, इसने बता दिया अब गधा मर जाएगा, चलो बाजार में ले चलो, इसको बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे काम चलेगा। गया, गधा को बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद देखा 3 दिन बाद एक गधा मर गया। 3 दिन बाद दो कौआ आपस में बैठ कर के चर्चा कर रहे थे कि इस किसान का जो बैल है ना, ये 3 दिन बाद ये बैल भी मर जाएगा। उसने सोचा चलो अच्छा है, इसको भी बेच देते हैं। बाजार में जाकर के बैल को भी बेच दिया। देखा 3 दिन बाद वही भी मर गया। आपस में दो चिड़ियां आप बात कर रही थी कि इसका जो घोड़ा है ना, 3 दिन बाद घोड़ा भी मर जाएगा। उसको लगा चलो अच्छा है, भाषा सीखने का क्या अच्छा परिणाम है कि चिड़ियां आपस में चर्चा कर रही थी घोड़ा मर जाएगा 3 दिन बाद। उसने घोड़ा को पकड़ा और जाकर के बाजार में बेच दिया, घोड़ा भी 3 दिन बाद मर गया। अब दो तोता आपस में, 1 सप्ताह बाद दो तोता आपस में बात कर रहे थे। सुनते हो? अभी आपकी बात आ रही है।
एक सप्ताह बाद दो तोता आपस में बात कर रहे थे कि एक सप्ताह बाद ये आदमी मर जाएगा। कौन मर जाएगा? जिसने घोड़ा बेचा, मैना के कहने से गधा बेच दिया, कौवा के कहने से बैल बेच दिया, चिड़िया के कहने से घोड़ा बेच दिया। अबे गुरुदेव के पास भागा भागा गया, गुरुदेव बचा लो। भाई क्या हो गया, बचा लो क्या, हो हुआ क्या, ये तो बताओ पहले, बचाने की तो बात की बात है। गुरुदेव मैंने आपसे जो भाषा सीखी थी बड़ा फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्या हुआ? बोले जब मैना ने कहा था कि तुम्हारा गधा मर जाएगा तो क्या किया तूने? बोले बाजार में बेच दिया था। फिर बोले जीवन के अर्थ को समझो और अर्थ यथार्थ को समझ करके परमार्थ के क्षेत्र में लगा दो तो तुम अनर्थ और व्यर्थ से बच जाओगे। जिन्होंने अपने जीवन को परमार्थ से जोड़ लिया, संन्यास के मार्ग से जोड़ लिया, उनका जीवन व्यर्थ अनर्थ से बच गया। ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे हैं। 1999 की बात है, पंडित इंदौर बीना के, क्या नाम था उनका, कोठिया जी, इतने अस्वस्थ अवस्था में आए, उनकी दोनों पैर सूज गए, शरीर फूल गया। न्यायाचार थे वो, न्यायाचार थे, और गुरु चरणों में आए, उन्होंने अपने जीवन का अर्थ समझा और अर्थ समझ कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए। और देखते देखते जिन डॉक्टरों ने कह दिया कि 2 से 4 दिन 3 से 4 दिन चलेंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, इनकी सेवा करो, उनके बेटे बहू मिलकर के नवंबर में पहुंचे, कोठिया जी को लेकर के एम्बुलेंस में। गुरुदेव ने देखा और परखा, बोले ठीक है, मैं इनके जीवन के अर्थ को समझ रहा हूं और इनका जो पुरुषार्थ होगा वो परमार्थ से जुड़ेगा और जीवन का कल्याण होगा। जिन डॉक्टरों ने कह दिया कि 2 से 3 दिन की इनकी आयु शेष है, वही पंडित जी 1 माह लगभग चले। जो शरीर सूजा था, फूला था, वह शरीर आराम से स्वस्थ हो गया और वैराग्य प्रद भावना के साथ उनका समाधि मरण हुआ। जो कल आपके बीच में एक दादाजी थे, जिनके पास उनके बेटे 1 माह पहले मुझे ले गए, आशीर्वाद दिलवाया, संबोधा कि संसार नाशवान है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, जो कुछ तुमने पाया है ये सब छूट जाने वाला है, जो तुम्हारे परिजन हैं इनसे मोह नहीं करना है, ये आज हैं, तुम्हारा साथ दे सकते पर साथ नहीं जा सकते हैं। उनकी जब चेतना बहुत अच्छी थी, फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ जीव दया में तुम करिएगा, तो उन्होंने तुरंत बोला मेरी तरफ से 5100 रुपये दान में। उनके बेटे लाकर के देकर की गए। ये उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझा, जीवन का मूल समझा तो परमार्थ में लगा दिया। जो उनका था उनने अपने हाथ से दिया, बाकी तो सब छूट गया। क्या तेरा है कि आज तुझे दे डालूं, क्या तेरा है कि आज तुझे दे डालूं, मिट्टी की अंजलि में इसने तुम्हारा जोड़ा, करे आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। हमारा है क्या कि दो आज तुम हमको दे दोगे, तुम परमार्थ को दे दो, कुछ भी मेरा नहीं है। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जब तक अर्थ को नहीं समझोगे परमार्थ को भी नहीं समझ पाओगे। परमार्थ के समझे बिना आत्मा का कल्याण नहीं है, आत्मा का उद्धार तो तभी है जब तुम अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ो, परमार्थ को समझो। बंधुओं सारभूत तो वही है, जो तुम्हारा है परमार्थ में लगा दो, बाकी तो छूट जाने वाला है। इन 4 पंक्तियों से विराम देता हूं। जगत जलद से पार उतरने को अद्भुत नौका है, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। ध्यान से सुनना,
संसार सागर से पार उतरने का यदि तुम्हें नौका मिली है और मानव भाव यदि तुम्हें मिला है, अद्भुत मौका है, इसको मत छोड़ना। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते शरीर को छोड़ देना, आए भरते भरते अस्पताल में नहीं जाना, तो जीवन की सार्थकता है। तो जगत जलद से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योति पुंज, आत्मा से कह रहा हूं, जाग जाग ये ज्योति पुंज। अवसर बीता जाता है, जो अवसर मिला है, अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया, जो क्षण गया, गया फिर वापस लौट नहीं आता है, जो क्षण गया, गया वापस फिर लौट कभी नहीं आता है। इस अर्थ से, व्यर्थ अनर्थ से बचो और परमार्थ से जुड़ोगे, जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को ब्राह्म देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।